हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप सब स्वस्थ हैं। यह है तायरी या ताहरी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, या खिचड़ी टाइप, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। हम लोग इसे तायरी बोलते हैं। तो तायरी बनाना बहुत ही आसान एक रेसिपी है। जिन लोगों को कुछ भी बनाना नहीं आता है या जल्दी से कुछ बनाना है तो ये बना सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, कुछ हरी सब्जियाँ ली है, और सबसे पहले राइस तो हमें चाहिए ही। तो राइस को मैंने यहाँ पे धो के रखा है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूलगोभी लिया है। फूलगोभी के डंठल को भी मैंने चॉप कर लिया है। एक टमाटर लिया है, थोड़े से मैंने यहाँ पे सेम फली लिया है, और एक गाजर लिया है। और मैं यहाँ पे डालूँगी जो हमारा न्यूट्रेला है, सोयाबीन, वो भी लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, और लहसुन भी। और मैंने यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं छौंक के लिए, जीरा, और फिर कुछ खड़े मसाले हैं, मतलब जिसमें ये होता है ना, तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, हींग, ये सब लिया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, और यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। तो इन सब चीज़ों को हमें ऐसे ही करके ले लेना है। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ पे एक कुकर ले लिया है मैंने। कुकर में एकदम एक सीटी, दो सीटी में आपके बन के रेडी हो जाएगी। कुकर को गर्म होने देंगे, इसके बाद आप कोई सा भी ऑयल इसमें आप डाल सकते हो। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हो। घी में बनाओगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, तेल हमारी लगभग गर्म हो चुकी है। तेल जब हमारी गर्म हो जाए, आप इसी के अंदर जो हमारे ड्राई, जो छौंक के लिए हमने खड़े मसाले लिए हैं, वो लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे और बहुत सारी सब्जियाँ भी ले सकते हैं, आपके स्वाद के अनुसार, आपको जो भी पसंद है आप सारी सब्जियाँ इसमें ले सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे हमारी जो ये खड़े मसाले हैं वो भुन चुकी है। अब इसी के अंदर मैं ये जो चॉप की हुई मेरी जो प्याज और क्या बोलते हैं लहसुन है, उसको मैं भून लूँगी अच्छे से। जब ये चीज़ें मेरी एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, इसी के अंदर हमें सब्जियाँ डाल देनी है, और सब्जियों को भी ऐसे ही भून लूँगी। तो मैं धीरे धीरे करके इसको भून लेती हूँ, और इसी के अंदर मैं एक एक करके सारा कुछ ऐड करूँगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता है वो भी ये बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी रेसिपी है। इसको एकदम, और सर्दियों में इसको दोपहर में बना के खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। तो मैंने सोचा आपको भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी, जिन लोगों को नहीं आता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सिंपल सी रेसिपी किसी को नहीं आता है, बट फिर भी मैं इसको शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और अच्छी अच्छी वीडियो देख पाए आप। तो मैंने देखे यहाँ पे सारी सब्जियाँ डाल के अच्छे से भून लिया है। टमाटर को मैंने अभी नहीं डाला है, टमाटर को मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। और ये सब्जियों को ना थोड़ा सा हमें 2 से 3 मिनट ऐसे ही गैस के फ्लेम को सिम करके भूनना है, ताकि सब्जियाँ थोड़ा सा भुनी हुई होगी ना, तो खाने में इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने जो हमारे सोयाबीन बड़ी है उसको भी डाल दिया है। आप चाहे तो सोयाबीन को अलग एक फ्राई पैन या कढ़ाई में डाल के भून सकते हैं, आपको अगर वैसा वाला पसंद है तो। तो मैंने यहाँ पे इसी के साथ भून लिया है, और इसी के अंदर मैंने टमाटर भी डाल दिया है, ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, जो हमने मसाले लिए थे सूखे मसाले, वो भी डाल देंगे। डाल के इसको भी थोड़ी देर हमें इसके साथ अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे हमें 1 से 1.5 मिनट सब्जियों के साथ मसालों को भूनना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सब्जियों के अंदर, और जो सोयाबीन है, न्यूट्रेला है, उसके अंदर भी चला जाए और खाने में अच्छा लगे। अब ये भुन चुकी है, अब इसी के अंदर मैं राइस डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे डेढ़ कटोरी राइस लिया था, और 3 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी डाला था। तो बिल्कुल मेरा राइस जो है खिला खिला बन के आया। आप आपके राइस में कितना पानी चाहिए, किसी किसी राइस में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो, और किसी में कम, तो आप उसके अकॉर्डिंग डालिए। मैंने अपना मेज़रमेंट बता दिया है। राइस डालने के बाद मैं यहाँ पे हमें
सारी सब्जी और मसालों के साथ राइस को भी थोड़ा सा भून लेना है ताकि जो सारे फ्लेवर है राइस के अंदर भी अच्छे से चला जाए। अब यहाँ पे भून लिया है, यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है, जितना पानी मुझे चाहिए था मैंने डाल दिया है। आप अपने आपके राइस में पानी कितना एब्जॉर्ब करता है उस हिसाब से पानी डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब देखिए, अब मैं कुकर का ढक्कन लगा के इसमें ज़्यादा नहीं, 2 सीटी लगाऊंगी। अगर आपका कुकर 1 सीटी में आपके राइस पका देता है तो सब्जियाँ भी पकी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी हमने उसे भून लिया था। मेरा जो कुकर है थोड़ा जल्दी जल्दी सीटी लगाता है, इसलिए 2 सीटी लगाया। और देखिए मेरा जो सीटी लग के वो रेडी भी हो चुका है। देखिए एकदम खिले खिले चावल के साथ है ना, और सब्जियाँ बिल्कुल मतलब एकदम खड़ी खड़ी है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो देखिए फ्रेंड, एकदम खिली खिली राइस और सारी सब्जियाँ भी खिली खिली है। इसको आप गरम गरम ऐसे सर्व करिए, सर्दियों में एकदम आप धूप में बैठ के इसको खाएंगे ना, और इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दीजिए, ऊपर से थोड़ा घी ऐसे एकदम घी ऊपर से छिड़का के या क्या कुछ भी बोल सकते हैं, घी डाल के इसमें, और आप अचार के साथ, दही के साथ, किसी के भी साथ अगर इसको खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये खाने में। तो मैंने तो यहाँ पे घी और मेरे पास मिर्ची का ग्रीन हरा मिर्ची का अचार था और आम का अचार था, तो उसी से मैंने सर्व किया था, हमने खाया था, हमें तो बहुत अच्छा लगा था। आपको किस चीज़ के साथ पसंद है, आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने अचार डाल दिया है ना, मिर्ची का अचार भी डाल दिया है और जो हमारी आम के अचार है वो भी मैंने डाल दिया है। अब इसके साथ मैं सर्व करूँगी और इसको खाएंगे सर्दियों में मज़े से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप भी इसको ट्राई करिएगा। इसको ट्राई तो हर कोई करता है, बट ये देख के ही खाने का मन करता है, तो इसलिए मैंने इसको बना लिया। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 सारा थैंक यू।